सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल मूवीज फॉर योर रिएक्शन में। और फाइनली जिस ट्रेलर का मुझे इंतजार था और आप सबों को भी जिस ट्रेलर का इंतजार था, वो रिलीज हो चुकी है। वार, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर को आज सुबह 10 बजे रिलीज कर दिया गया है। और काफ़ी सरप्राइजिंग था जब इसका टीज़र आया था, लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे टीज़र का। और अचानक से टीज़र जब रिलीज हुई थी, लोग आश्चर्यचकित हो गए थे ये देखकर कि ऋतिक वर्सेस टाइगर एक साथ नज़र आने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक साथ नज़र आने वाले हैं किसी मूवी में, और वो थी वार, जिसका टीज़र रिलीज किया गया था और टीज़र को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो फाइनली उसके ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से पहले इसके ऑफिशियल ट्रेलर को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और भी रिलेटेड रिएक्शन देखने की। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से पहले ट्रेलर को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गजब का एंट्री टाइगर श्रॉफ। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। हेलो, टीम को मीट कर रहा है, आपको क्या लगता है? देन रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू, सर। मौका मिला तो कोई सोचना हाथ मैं नहीं सोचूंगा। Wow, nice. Gazelle, wow. Nice. Two up. So friends, सच में wow, सच में काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर है और काफ़ी शानदार ट्रेलर है। जैसा एक्सपेक्ट किया था इस ट्रेलर से, उम्मीदें थी और वो उम्मीदें खरी उतरी। ये ट्रेलर काफ़ी शानदार है। और ट्रेलर की सबसे खास बात है इसका एक्शन, जो कि काफ़ी सारे एक्शन हमें ट्रेलर में ही देखने को मिले। तो एक्सपेक्ट करते हैं मूवी में और भी हमें बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा, और इस मूवी में हमें एक्शन तो ज़बरदस्त ही देखने को मिलेगा। और टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन आमने सामने फर्स्ट टाइम नज़र आने वाले हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं इस मूवी को देखने के लिए, और ट्रेलर के बाद तो और ज़्यादा लोग एक्साइटेड होने वाले इस मूवी को देखने के लिए। तो बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में कि आखिर ट्रेलर से हमें क्या पता चला मूवी के बारे में। तो जैसे कि ट्रेलर में ही दिखाया गया ऋतिक रोशन, जिसका कैरेक्टर नेम इस मूवी में होने वाला है कबीर, वो बिट्रे कर देता है, गद्दारी कर देता है। आखिर वो गद्दारी क्यों करता है? और फिर उससे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है खालिद, यानी कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर को बुलाया जाएगा। फिर वो उसे कैसे पकड़ेंगे और वो बिट्रे क्यों किया है, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और टाइगर श्रॉफ जो कि
ऋतिक रोशन से काफ़ी सारे चीज सीख चुके हैं, उनकी हर एक मूव हर एक चाल वो जानते हैं। और ऋतिक रोशन जो कि एज ए गुरु हमें लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ के इस मूवी में, उन्होंने उन्हें बहुत कुछ अपनी जो तरीके हैं वो सिखाई है, और उसी तरीके से टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को किस तरीके से पकड़ेंगे और क्या क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मूवी और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हालांकि ट्रेलर काफ़ी शानदार है, एक्शन पैक काफ़ी बेहतरीन है, और दोनों डांसिंग किंग और दोनों फाइटिंग किंग एक साथ देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो कि पिछली बार 2014 में एक मूवी डायरेक्ट किए थे बैंग बैंग ऋतिक रोशन के साथ, और फिर अभी ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं वो। तो उम्मीद करते हैं मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, स्टोरी लाइन काफ़ी बेहतरीन हो मूवी की, सिर्फ एक्शन ही ना हो, स्टोरी लाइन भी कमाल की होनी चाहिए, तब लोग ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म की तरफ से इस मूवी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसकी रिलीजिंग डेट जैसे कि आपको पता ही होगी 2 अक्टूबर को है इसकी रिलीजिंग डेट। तो अभी एक मंथ बाकी है इस मूवी को रिलीज़ होने को, अब ट्रेलर निकल चुका है और लोग आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस मूवी को देखने के लिए। तो आपको कितना अच्छा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं दोस्तों, और ट्रेलर में आपको क्या खास लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं दोस्तों, और मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब